Hey guys, you are watching Troy KSP. मैं हूं आयुष एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपने मेरा रिसेंट वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैं आपको बता रहा था PWE 2K24 सोनी PS2 में रन करने लायक मींस वो सोनी PS2 में रन कर सकता है तो फिर सोनी PlayStation 2 के जो इमुलेटर्स है पीसी के लिए PCSX2 और एंड्रॉइड के लिए EtherSX2 इनमें भी रन करेगा। इन इमुलेटर्स में मुझे रन करके दिखाना है। PCSX2 में मैं रन करके दिखा चुका हूं। उस वीडियो मैंने आपसे बताया था कि अगला वीडियो मैं इंस्टॉलेशन वीडियो दूंगा एंड फॉर द लिंक मैं आपको पहले बता दूं कि लिंक के लिए मुझे रिक्वेस्ट मत करिएगा। ये ओरिजिनली ये वर्क ये काम एक ऐसे बंदे का है मतलब उन्होंने वीडियो अपलोड किया था। ही हैव प्रिपेयर्ड दिस मॉड हिमसेल्फ एंड जस्ट इंस्टॉल्ड ऑल द टेक्सचर्स एंड गेट इट वर्किंग एंड अच्छी बात यह है कि उन्होंने सबके लिए वीडियो भी बनाया था एंड सारे डाउनलोड्स उनके डिस्कॉर्ड चैनल पर है। तो फिर उनका जो वीडियो है उसका मैं लिंक दे दूंगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर आपको उनके डिस्कॉर्ड चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। PWE 2K24 के जितने भी लिंक्स है वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो फॉर नाउ मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आपको ये सब फाइल्स वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे सेटअप करनी है। PCSX2 फिलहाल के लिए तो मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं शुरू से आपको सब कुछ बताने के लिए। okay, तो PCSX2 मेरे डाउनलोड फोल्डर में है एंड चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। डिलीट से आया डिलीटेड इट एंड जितनी भी डाउनलोडेड फाइल्स थी उन्हें सभी फाइल्स को मैंने एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लिया है एंड यू कैन सी ओवर हियर मतलब ये सारी कंप्रेस फाइल्स होंगी। उसके बाद उन्हें आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और बेहतर होगा एक सिंगल लोकेशन में एक्सट्रैक्ट करें। सारी टेक्सचर यहाँ पर है एंड आई डोंट फील लाइक कि अगर ये सब मैं इंस्टॉल कर लूंगा तो मैं दूसरे गेम्स वगैरह रन कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये गेम आईडी के साथ होंगे। गेम आईडी का जो फोल्डर है उस पर ये टेक्सचर्स वगैरह होंगे तो फिर इनका असर किसी दूसरे गेम पर नहीं पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। और नाउ मैं बस आपको ये बता दूं कि आपको इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करना है, सेटअप पूरा कैसे करना है और शुरू से PCSX2 का जो इंस्टॉलेशन है उसे दिखाता हूं। एंड लेट अस सर्च फॉर PCSX2। आई वेंट फॉर डाउनलोड एंड यहाँ पर मैं नाइटली रिलीजेस के लिए जाने वाला हूँ और नाइटली रिलीजेस के लिए इसलिए जाने वाला हूँ क्योंकि जो नाइटली रिलीज होता है उसके साथ आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे आप मोड्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बहुत फीजिबल हो जाता है जब आप नाइटली रिलीजेस के लिए जाते हैं। एंड फिलहाल के जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो नाइटली रिलीज लेटेस्ट वर्जन है वो है 2.1। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड। प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर लाइकिंग ऑल दिस स्टफ प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, एक्चुअली पहले इस फाइल को डाउनलोड किया था बट इट वॉज दिस फाइल इज वर्जन 2.1.209 और वर्जन 2.0.10 यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऑल द फाइल्स हैव गॉट एक्सट्रैक्टेड हियर एंड इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो PCSX2 की जो PCSX2-QT.exe है इस एग्जीक्यूटिवल फाइल को रन करना है। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बायोस फाइल वगैरह है ये सब आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। सेटअप वीडियो वगैरह में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको बायोस कैसे मैनेज करनी है। चलिए आपको बताया था बायोस डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं PS2_BIOS। मैं इन सबको सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा एंड वर्ड प्लेस इट इन द लोकेशन जहाँ भी PCSX2 BIOS के मौजूद होने को प्रिफर करता है। तो मैं डबल क्लिक करके इस PCSX2-QT.exe को एग्जीक्यूट कर लूंगा एंड इट इज सेइंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिगन। एंड यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स में PCSX2 BIOS एंड रिफ्रेश लिस्ट पर क्लिक करने पर आपकी जितनी BIOS है डिटेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे बाद वाली मैं चूज कर लेता हूँ एंड सबसे बाद वाली है HTTPH-70004 वर्जन। तो मैं इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ एंड PCSX2 विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द गेम्स इन द सिलेक्टेड डायरेक्टरीज बिलो एंड आई विल पॉपुलेट द गेम लिस्ट। तो यहाँ पर जो सपोर्टेड फॉर्मेट्स है गेम्स के वो यहाँ पर दिखा रहा है। डायरेक्टरीज वुड बी सर्च्ड फॉर सपोर्टेड गेम्स एंड यहाँ पर मैं इसे एम्प्टी छोड़ते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। कंट्रोलर का प्रयोग करेंगे आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो माई कंट्रोलर इज कनेक्टेड एंड आपको पहले बता देता हूँ मैंने पिछले वीडियो में ये बात कही थी जब मैंने आपको ट्रेलर दिया था WWE 2K24 रनिंग ऑन PS2 जो कि एंड्रॉइड पर रन करेगा। तो वहां पर आपको बताया था कि मैं DS4 विंडोज का प्रयोग करता हूँ। DS4 विंडोज एक प्रकार का ड्राइवर सॉफ्टवेयर है एंड ये आपको हेल्प करता है मतलब प्रॉपरली आपके कंट्रोलर को आपके PC से कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो चलिए इसने मैं आप जो कंट्रोलर है वो डिटेक्ट कर लिया है एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज इट एंड जो आपका कंट्रोलर है उसे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो जस्ट चूज द ऑटोमेटिक मैपिंग और ऑटोमेटिक मैपिंग आपको किस प्रकार की करनी है वो यहाँ पर चूज कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आप DS4 विंडोज में DS4 विंडोज का प्रयोग कर रहे हैं तो आप PS4 कंट्रोलर को चूज करेंगे। सिलेक्ट द ऑटोमेटिक मैपिंग एंड इट इज सेइंग दैट सेटअप कंप्लीट जस्ट फिनिश एंड PCSX2 यहाँ पर आ चुका है। तो अब जो ISO फाइल है मेरे पास से मैं रन करूंगा और उससे पहले आपको एक स्टेप और करना है कि जो टेक्सचर है टेक्सचर को आपको जाकर कॉपी करना है बस जहाँ पर ये गेम आईडी है यहाँ से आपको कॉपी करना है एंड देन गेट टू द डेस्टिनेशन वेयर एवर PCSX2 इज इंस्टॉल्ड। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ PCSX2 और यहाँ पर है टेक्सचर्स फोल्डर। तो टेक्सचर्स फोल्डर पर जाने के बाद जो मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देता हूँ एंड आई नो ये अराउंड 3.5 GB की फाइल है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जितने भी टेक्सचर्स है वो कॉपी हो चुके हैं। रिमेम्बर आप इसका जो कॉन्टेंट है वो कॉपी मत कर दीजिएगा। जो ये गेम आईडी है गेम आईडी वाला जो फोल्डर है वो आप कॉपी कीजिएगा क्योंकि इट इज 2.64 GB। गेम आईडी से ही ये कंफर्म करेगा कि ये कौन से वाले गेम के ये टेक्सचर्स है। अब मुझे सेव डेटा
डेटा को मूव करना है तो मैं सेव डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कंट्रोल सी से कॉपी एन पीसीएसएक्स टू एंड मेन कार्ड्स पर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो जितना भी सेटअप प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले आपको बताया था कि गेम रन कर रहा है हमारा कि नहीं, ये चेक करने के लिए कि हमारा गेम रन कर रहा है कि नहीं, आपको जो आईएसओ है वो आपको कुछ इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आईएसओ की आप डायरेक्टरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आईएसओ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। टाइटल में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2007 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूबी 2K24 की लोडिंग स्क्रीन आ चुकी है। तो आई फील एवरीथिंग इज गुड, बट एक बात मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि तो मैंने टेक्सचर्स है, जो रेजोल्यूशन है, ग्राफिक्स है, उन्हें मैंने अपस्केल नहीं किया। तो रिक्वेस्ट है गो टू ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स टैब में यहाँ पर आप रेंडरिंग पे चले जाएंगे एंड इंटरनल रेजोल्यूशन को आप इंक्रीज कर देंगे। एंड मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप 6x या फिर 8x तक जाए, और अगर आपके पास और पावरफुल हार्डवेयर है, वैसे मैंने आगे ट्राई नहीं किया है, जहां तक 12x तक चल जाना चाहिए। एंड यहाँ पर अभी मैंने एस्पेक्ट रेशियो वगैरह सेटअप नहीं किया है, इसी वजह से कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू कंफर्म यू गाइस, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पॉज करके मैं इसे फिर से रन कर सकता हूँ। चलिए मैं इसे शट डाउन करता हूँ और एक बार फिर से रन करता हूँ ताकि जो भी चेंजेस है वो प्रॉपरली आ सके। स्टार्ट फाइल पर जाकर आप कुछ इस प्रकार से अपना गेम लगा देंगे तो फिर इट विल बी एबल टू डिटेक्ट इसे क्या रन करना है। अब बस गेम प्रॉपर्टीज पर जाकर हम एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर सकते हैं। जस्ट गेट टू द ग्राफिक्स, यहाँ पर आया एस्पेक्ट रेशियो एंड यहाँ पर 16:9 चूज करेंगे तो इट वुड बी मच बेटर। ओके, तो यहाँ पर गेम है उसे मैंने 10x तक अपस्केल कर दिया है। फॉर नाउ लेट मी जस्ट क्लोज दिस थिंग और एक बार फिर से बूट करते हैं। दिस टाइम इट शुड रिक्वेस्ट टेल यू गाइस कि मुझे अभी तक जो इसके कंट्रोल्स है उस पर होमवर्क करने का मौका नहीं मिला है, इतना मैं वीडियोस पर बिजी रहता हूँ एंड एंड्रॉइड वाला भी वीडियो आपको जल्दी ही देना है। अभी तक गेम प्ले वगैरह में आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाऊंगा। आप स्टेज देख रहे हैं एंड किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा देखकर कि स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2007 चल रहा है। ग्राफिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुझे लगता है कि इतनी रिकॉर्डिंग पर्याप्त होनी चाहिए एंड आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि मींस आपको जो WWE 2K24 है PCSX2 के लिए कैसे सेटअप करना है। और ये सेटअप किसी के लिए था, अगला वीडियो आएगा आपको ये बताने के लिए कि एंड्रॉइड में आपको ये कैसे सेटअप करना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल।